हेलो फ्रेंड्स, हल्का खाना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको गाजर का अचार बनाना सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गाजर लिया है, लगभग 1 किलो गाजर है, लगभग 1 किलो गाजर है। इसको हमने धो के छिल के और इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए है और इसको हम एक दिन पूरा अच्छे से धूप लगाएंगे। तो इसको मैं खाली में शिफ्ट कर देती हूँ। इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। इसको हमने थाली में अच्छे तरीके से फैला लिया है और एक दिन हम इसमें अच्छे तरीके से धूप लगाएंगे। तो इसको हम धूप में रख देंगे। तो हमने गाजर को एक दिन के लिए धूप में रखा था, अब इसका पानी जो है सोख हो गया है। अब इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच हम डालेंगे कलौंजी जिसे मंगरेले भी बोलते हैं, आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन। इन सबको हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सोते कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसको मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। मेरे पास लगभग आधा कटोरा सरसों का तेल है जिसे मैं गरम करूंगी। इसको हमें सिर्फ नॉर्मली गरम करना है, उबालना नहीं है, और इसे ठंडा होने के बाद हम इसको अचार में डालेंगे। तो ये जब तक गरम हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपने गाजर की तरफ। सबसे पहले हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया था और इसको दरदरा मैंने पीस लिया है। तो हम 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी डालूंगी, नमक में इसमें 1/2 चम्मच डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी हम 1/2 चम्मच डालेंगे। अमचूर पाउडर है, इसे भी हम 1/2 चम्मच डालेंगे। काला नमक 1/4 चम्मच, हींग डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच। अब इसमें हम हमारे रोस्ट मसाले यानी मेथी दाना, कलौंजी और अजवाइन, ये तीनों हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल को मैंने ठंडा कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तेल यहाँ पे हमने 3 बड़े चम्मच डाले हैं। अब ये हमारा गाजर का अचार बनके बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे किसी कांच के जार में या फिर चीनी मिट्टी के बने हुए जार में आप इसे शिफ्ट कर दें और इसे आप धूप लगा लें 3 से 4 दिन। उसके बाद आपका गाजर का अचार रेडी है खाने के लिए। ये अचार आप इसे फ्रेंड्स आप बीच बीच में धूप लगाते रहें तो ये अचार साल भर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।